Hi guys, if you are planning to start your MBA journey, MBA entrance preparation, this video is for you. Watch this video very carefully because lots of things I will be discussing in this video. What are the mistakes one should not do? What are the pointers which you have to keep in mind if you are starting your MBA entrance preparation? Whether you are preparing your MBA entrance with your graduation or with job, और टोटली यू आर फोकसिंग ऑन योर एमबीए एंट्रेंस, ग्रेजुएशन हो गया, फुल फ्लेज में सिर्फ एमबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्हाट आर द एग्जाम व्हिच यू शुड टारगेट, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम आपके एमबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन चालू करने वाले हो। सो लॉट्स ऑफ थिंग यू विल बी लर्निंग, वॉच इट वेरी केयरफुली एंड या शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड दोज हू आर टारगेटिंग फॉर एमबीए एंट्रेंस। सो एंटायर वीडियो विल बी इन दी क्यू एन ए फॉर्मेट, मतलब एक क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है और उसको लेके मैं आंसर करूंगा जो कि एग्जाम्पल फॉर्म में होगा, आप अपने तरीके से उसको फ्रेम कर लेना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा, वाई यू वॉन्ट टू परस्यू एम बी ए, ये आपको एम बी ए के कॉलेज में जाने से पहले जो इंटरव्यू राउंड होगा वहाँ पर भी ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आप अभी से पूछ लो अपने आप से कि मुझे एम बी ए क्यों करना है, करियर ग्रोथ के लिए करना है, अच्छे पे के लिए करना है, या मुझे नेटवर्किंग चाहिए, नेटवर्क बनाना है अच्छे लोगों के साथ या जो भी है, या लर्निंग पर्सपेक्टिव के माइंडसेट से आप देख रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न यू वांट टू परस्यू एमबीए, अपना खुद का रीज़न फाइंड आउट करो, ठीक है। इससे ये क्लैरिटी आएगी, हाँ मुझे एमबीए एक्चुअली में करना है। या तो आप, नहीं तो ये होगा कि आप इन्फ्लुएंस हो गए हो, दो चार लोगों को देख के या कुछ लोगों को सुन के देख करके इन्फ्लुएंस हो गए, बट एक्चुअली में यू डोंट वांट टू परस्यू एमबीए। तो ये चीज़ की क्लैरिटी आपको अच्छे से होनी चाहिए, भाई मुझे एमबीए करना है, आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। सेकंड क्वेश्चन विच यू हैव टू आस्क फ्रॉम योरसेल्फ, विच कॉलेज एंड सिटी, मतलब जिस सिटी में मैं रहता हूँ उसके आजू बाजू कोई अच्छा कॉलेज मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना है, या इंडिया पे जो भी अच्छा कॉलेज है, IIM हो गया, FMS हो गया, MDI गुड़गांव हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, NMIMS हो गया, जवाहरलाल बजाज हो गया, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उसको लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। फीस क्या है उस कॉलेज का, इंफ्रा क्या है, फैकल्टी क्या है, अलॉन्ग विद दैट कॉलेज कितना वेल नोन है, रैंकिंग क्या है कॉलेज की, मुझे प्लेसमेंट क्या मिलेगा उस कॉलेज में जाने के बाद। सो ऑल दिस थिंग यू हैव टू हंट राइट। अलॉन्ग विद दिस, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट और द कैंडिडेट कम फॉर द एडमिशन इन द रिस्पेक्टिव कॉलेज, तो ये सब को लेकर थोड़ी सी स्टडी आपको करनी है। गूगल है अपने पास, यू कैन गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। ये सब चीज़ें आपको पहले से वर्कआउट करनी है बिफोर यू स्टार्ट योर MBA एंट्रेंस प्रिपरेशन। टेक योर वन डे का टाइम, टू डे का टाइम, वन वीक का टाइम और मंथ का टाइम, ये सब चीज़ों को जो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ और उसके आंसर रैंडमली मैं जो दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल फॉर्म में, ये सब अपने आप से पूछो। इससे होगा क्या कि आपके अंदर ही बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी कॉलेज को लेके, और आगे जो भी मैं पॉइंटर डिस्कस करने वाला हूँ उसको लेके, प्रिपरेशन को लेके, एग्जाम को लेके, कट ऑफ को लेके, प्लेसमेंट को लेके, फीस को लेके, करियर को लेके, एवरीथिंग विल गेट क्लियर, ठीक है। सो डेफिनेटली डू दिस। सो वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे किस कॉलेज में, किस सिटी में जाना है, वहाँ पे आता है थर्ड पॉइंट जो है कि लिस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, वेदर आई शुड राइट ओनली कैट, या कैट के साथ मैं स्नैप लिख दूँ, या तो मैं CMAT का एग्जाम लिख दूँ, NMAT का एग्जाम लिख दूँ, या दूसरे जो भी एग्जाम्स अवेलेबल हैं। सो जितने भी कॉलेज आपने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, कौन से एग्जाम के स्कोर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको एंट्रेंस टारगेट करना है। आई वुड सजेस्ट डोंट राइट ओनली वन MBA एंट्रेंस, एटलीस्ट 3 to 4 MBA एंट्रेंस लिख के रखो। होगा क्या कि कैट लिखा मैंने, कैट के थ्रू मुझे एडमिशन मिला नहीं मिला, अगर मिल गया तो कोई बात नहीं है, बट अगर बैकअप होगा तो वो भी बेटर। मैंने CMAT भी लिखा है, मैंने स्नैप भी लिखा है, मैंने NMAT भी लिखा है, तो एटलीस्ट 3-4 एग्जाम्स लिखे हुए हैं, तो हाँ इसके थ्रू मुझे इंडिया के टॉप 30 टॉप 50 कॉलेज में एडमिशन तो मिल ही जाएगा। तो आपको ऑप्शन हमेशा, बैकअप हमेशा रेडी रखना है। एक ही सिर्फ MBA का एग्जाम नहीं लिखना है, दैट विल बी नॉट अ गुड डिसीजन। सिर्फ मैंने कैट लिखना है और कैट लिखा, परसेंटाइल नहीं आया तो गया आपका एक साल, फिर अगले साल MBA का एंट्रेंस आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पॉइंटर्स दिमाग में रखनी है, भाई मुझे ये गलती नहीं करनी, एक ही एग्जाम नहीं लिखना है, आई हैव टू राइट एटलीस्ट 3 to 4 एग्जाम, ये माइंडसेट लेके चलो, ठीक है। अगर मुझे CET लिखना है महाराष्ट्र बेस्ड, तो आप CET लिखो, आपको लग रहा है कि हाँ CET के थ्रू मुझे ये सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, मैं महाराष्ट्र बेस्ड हूँ, बट मुझे CMAT लिखूंगा तो मुझे इंडिया के सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे जितने भी AICTE अप्रूव्ड है, तो आप वो एग्जाम लिखो, बट डेफिनेटली राइट 3 to 4 मल्टीपल MBA एंट्रेंसेस। सो वंस यू हैव डन ऑल दिस थिंग, सो आता है फोर्थ पॉइंट, हाउ टू स्टार्ट माई प्रिपरेशन। सेल्फ स्टडी करूँ मैं या लाइव क्लास जाऊँ या क्लासरूम जाऊँ, ये आपका कॉल है, ठीक है। अगर आपको लग रहा नहीं मेरा 50% प्रिपरेशन ठीक ठाक है, मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इंग्लिश अच्छा है, ठीक ठाक है, या उसके, सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक द कॉल। मैं सेल्फ स्टडी करके, वीडियो लेक्चर्स देख करके सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन कर लूँगा, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। बट
इफ यू डोंट वांट टू टेक चांस आई वुड सजेस्ट गो फॉर एनी गुड कोचिंग इफ यू वांट टू ज्वाइन अस मेनूवर ये आपका क्लासरूम कोचिंग का नंबर है ये ऑनलाइन का नंबर है यू कैन चेक इट आउट बट या आपके जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपकी गाइडेंस मेंटरशिप रिसोर्सेज टेस्ट सीरीज एनालिसिस स्ट्रैटेजी ये सब लगेगी ठीक है वी कैन नॉट टेक चांस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर MBA एंट्रेंसेस बिकॉज उसके स्कोर के बेसिस पे यू विल बी गेटिंग दी कॉलेजेस तो स्कोर में तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते और स्कोर तभी आएगा जब आपने अच्छे से प्रिपरेशन की अच्छे से कोचिंग रिसोर्सेज टेस्ट वगैरह लिखे हुए ठीक है अलॉन्ग विद दिस डू हैव अ डिटेल्ड प्लानिंग मतलब कंप्लीट टाइम टेबल सेक्शन वाइज एंड पूरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का शेड्यूल आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए हाँ मैं मॉर्निंग में ये पढ़ूंगा आफ्टरनून में ये पढ़ूंगा एंड इवनिंग में आई विल बी प्रैक्टिसिंग और यू नो यू विल बी वॉट एवर यू विल बी डूइंग वो आपके पास एक टाइम टेबल प्रॉपर होना चाहिए रैंडम स्टडी विल नॉट हेल्प यू टू क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन सो डू हैव अ रूटीन डू हैव अ प्लानर एंड यू शुड फॉलो द सेम स्ट्रिक्टली फिफ्थ पॉइंट इज वेरी वेरी क्रूशल नो वन विल टॉक अबाउट दिस पार्ट विच इज नथिंग बट वेन यू स्टार्ट योर एंट्रेंस प्रिपरेशन डीमोटिवेशन आने वाला है यू माइट बी नॉट अंडरस्टैंडिंग सम सेक्शन सम टॉपिक टेस्ट लिख रहे हो स्कोर नहीं बन रहा है फुल लेंथ मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है डीमोटिवेशन आने वाला है बट यू शुड नॉट गिव अप बिकॉज डीमोटिवेशन इज द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन राइट बिकॉज ऑल्सो इफ यू आर गेटिंग डीमोटिवेटेड विच मीन्स यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन तभी तो डीमोटिवेट हो रहा है मेरा स्कोर नहीं बन रहा मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है मतलब आप सीरियस हो राइट अलॉन्ग विद दिस डू हैव अ पॉजिटिव इकोसिस्टम अराउंड यू मतलब ऐसे लोग के साथ रहो जो सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें या सेम टाइप के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपको ऑलवेज मोटिवेट करके रखे हुए हैं राइट दोज हु आर ऑलवेज सीरियस अबाउट देयर करियर टॉकिंग अबाउट दी स्टडी प्रिपरेशन सो क्रिएट ऑल दिस काइंड ऑफ अ इकोसिस्टम अराउंड यू सेम पॉजिटिव फीलिंग होगी माइंडसेट अच्छा होगा डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा नेगेटिविटी आएगी आपको रीड ऑफ होना है उससे विदाउट फेल ठीक है गिव अप नहीं करना है ओके सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट हाईलाइटर्स विच कम्स इन मेनी ऑफ द एस्पिरेंट जर्नी दोज हु आर टारगेटिंग फॉर द MBA एंट्रेंस ऑल्सो आई सजेस्ट इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल अलॉन्ग विद द जॉब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द MBA एंट्रेंस गो फॉर इट इफ रिक्वायर यू कैन टेक द ब्रेक बिफोर द एग्जामिनेशन विद द प्रायर नोटिस इन योर कंपनी बट जॉब छोड़ दूँ और फुल फ्लेज में मैं MBA के एंट्रेंस की पढ़ाई करूँ कोई गारंटी नहीं कि एग्जाम निकलेगा ठीक है सो ऑलवेज हैव अ बैकअप एंड सम काइंड ऑफ अ पॉजिटिव इंट्यूशन कि हाँ मेरा इतना प्रिपरेशन हुआ है सो आई नो मुझे इतने स्कोर आ जाएंगे तो मुझे इस स्कोर पे ये वाले कॉलेज मिल जाएंगे सो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा स्पेकुलेट करके चलनी पड़ेगी सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज एनी अदर डाउट एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट बॉक्स आई बी हैप्पी टू रिप्लाई यू आई होप ये वीडियो के बाद आपके अंदर एक क्लैरिटी आई होगी कि मुझे MBA एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो शेयर दिस टू एवरीवन सो दैट अदर शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू